हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन मैथ का एक्सरसाइज सेवन का बी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेवन का ये पूरा कंप्लीट देखा था, तो सेवन बी को पढ़ने से पहले इसमें आप लोगों को प्रतिलोम समानुपात जानना जरूरी है। इससे पहले आप लोगों ने अनुलोम समानुपात देखा था, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले प्रतिलोम समानुपात क्या होता है इसको जानना जरूरी है, और इसी पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, प्रतिलोम समानुपात का हमने डिफिनीशन लिख दिया हुआ है। होता क्या है, देखिए, जब दो राशियाँ x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x किसी अनुपात में बदलने पर y उसी के प्रतिलोम अनुपात में, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो तथा x गुणे y नियत संख्या हो, तो वे राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। अब इसको आप लोग समझेंगे कैसे, ये परिभाषा क्या होता है, तो उसको आप लोग याद रख सकेंगे। प्रतिलोम समानुपात, देखिए, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा का मतलब क्या, अनुलोम समानुपात में पहले देखिए क्या था, अनुलोम समानुपात में था अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, या तो अगर एक घटेगी तो दूसरी उसी अनुपात में घटेगी, बढ़ने पर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी, तो था अनुलोम समानुपात। लेकिन प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी उसी अनुपात में घटेगी, तो इसको कहेंगे प्रतिलोम समानुपात। एक अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, मतलब उल्टा होगा, उल्टा को ही प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। वही यहाँ कहा है, जब दो राशियाँ x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x किसी अनुपात में बदलने पर, बदलने का मतलब x या तो बढ़ेगा तो y क्या होगा, प्रतिलोम में बदलेगा, मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, उल्टा होगा, या अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा, इसी को प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पांच मजदूर किसी काम को दस दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पांच मजदूर किसी काम को दस दिन में पूरा करते हैं। अगर मान लीजिए हम मजदूरों को बढ़ा दें, मान लीजिए हम मजदूरों को अगर कर दें दस मजदूर, तब क्या होगा, काम का दिन बढ़ेगा या घटेगा, ध्यान दीजिएगा। पांच मजदूर किसी काम को दस दिन में पूरा करते हैं। अब मान लीजिए हमने मजदूरों को बढ़ाया, दस मजदूर कर दिया, तो जब मजदूर ज्यादा होंगे तो काम कम ही दिन में पूरा कर लेंगे, तो जब पांच मजदूर काम को दस दिन में करते हैं तो दस मजदूर पांच ही दिन में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब मजदूर कम थे तो दिन ज्यादा, और मजदूरों को हमने जब बढ़ा दिया तो काम कम ही दिन में पूरा हो रहा है। तो देखिए, एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसी अनुपात में घट रहा है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो उल्टा जब होगा तो उसी को समझेंगे प्रतिलोम समानुपात। इसको और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग इसको चार्ट से समझते हैं। यहां हमने मान लीजिए लिखा मजदूरों की संख्या, इसको मान लीजिए हमने x मान लिया, यहां हमने लिखा दिनों की संख्या, इसको हमने y मान लिया,
और यहां देखिए x गुड़े y उसमें क्या था x बटे y बराबर होगा सबका इसमें x गुड़े y यहां हम लोग लिखेंगे x गुड़े y। अब देखिए तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल समझते हैं प्रतिलोम समानुपात को। देखिए मान लीजिए अगर मजदूरों की संख्या अगर दो मजदूर किसी काम को दिनों की संख्या है वाई हमने माना है इसको मान लीजिए 32 दिन में पूरा करते हैं कोई भी एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए दो मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। अब हमने मान लीजिए इस मजदूरों की संख्या को कर दिया चार तो चार मजदूर कितने दिन में करेंगे जब दो मजदूर 32 में कर रहे थे मजदूर जब बढ़ गए तो काम कम ही दिन में पूरा करेंगे 16 हो जाएगा इसका आधा दिन में पूरा करेंगे। अब मान लीजिए हमने 8 कर लिया चार दूना 8 तो ये दूना में और कम होगा जब मजदूर 8 हो जाएंगे तो और ही कम चार मजदूर जब 16 दिन में करते थे तो 8 मजदूर 8 ही दिन में पूरा करेंगे ज्यादा मजदूर होंगे तो काम कम ही दिन में पूरा हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर 16 मजदूर हो जब मजदूरों की संख्या 16 हो जाएगी 8 से दूना हमने कर दिया तो दिन और भी कम लगेगा जब दूना मजदूर बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या दूना में घट जाएगी। तो इस तरह से देखिए देखिए क्या हो रहा है मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन उसी अनुपात में क्या हो रहा है दिनों की संख्या घटती जा रही है तो इसी को क्या कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। देखिए परिभाषा क्या होता है जब दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक के बदलने पर बदल रहा है बढ़ने या घटने भी कह सकते हैं एक के बदलने पर दूसरा उसके प्रतिलोम में उल्टा में बढ़े या घटे या बदले तो उसी को हम लोग प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। अनुलोम समानुपात में x बटे y सबका बराबर होता है और इसमें प्रतिलोम में x गुणे y सबका बराबर होता है। देखिए x गुणे y का मतलब इस दोनों का गुणा करना है तो 2 गुणे 32 जब हम लोग करेंगे तो देखिए आएगा 64। इसी तरह से 4 का जब 16 में गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 64। सब बराबर ही आएंगे वही यहाँ लिखा हुआ x गुणे y नियत संख्या मतलब बदलने वाला नहीं बराबर संख्या। 8 का जब 8 में गुणा करेंगे तब भी देखिए 64 होगा और 16 का जब 4 में गुणा करेंगे तब भी 64 होगा। तो यही याद रखना है कि जो दोनों राशियां उनका गुणा करने पर बदलता नहीं है देखिए बस ये है। तो प्रतिलोम का मतलब समझेंगे उल्टा एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा तो उसी को प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। अब इसमें आप लोग समझेंगे कि इसमें इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं जैसे अनुलोम समानुपात में था आप लोग दो तीर ऐसे लगाते थे नीचे की तरफ प्रतिलोम समानुपात को लिखने के लिए क्या करेंगे प्रतिलोम समानुपात में एक तीर पहले नीचे की तरफ लगाएंगे और दूसरा तीर ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा एक तीर नीचे की तरफ पहला दूसरा तीर ऊपर की तरफ इसका मतलब क्या हुआ प्रतिलोम देखिए उल्टा है ये नीचे है तो ये ऊपर है तो इसको प्रतिलोम समानुपात कहेंगे। प्रतिलोम समानुपात में एक बात और ध्यान रखने वाली है जैसे मान लीजिए हम यहाँ अनुपात इस कैसे देखिए लिखा जाता है ये 2/4 है 2:4 का मतलब 2/4 तो यहां से लिखा क्या जाता है बराबर 32/16 ऐसे होगा 2:4 32:16। लेकिन प्रतिलोम समानुपात में जब इसको बदलना होगा तो ध्यान क्या देंगे इसका प्रतिलोम समानुपात। अब ध्यान इसमें आप लोगों को क्या देना है प्रतिलोम समानुपात का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाला जो दोनों होता है अनुपात इसको बदल देते हैं बदलने का मतलब उल्टा कर देंगे ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। तो प्रतिलोम समानुपात इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2/4 बराबर ये 32/16 तो नीचे का ऊपर लिखेंगे और ऊपर का
नीचे। अब ये हुआ प्रतिलोम समानुपात, तो ये प्रतिलोम समानुपात में इसको याद रखेंगे, तीर को याद रखेंगे। इस तरह से प्रतिलोम समानुपात होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे 2:4 और समानुपात करके 32:16 और जब इसका प्रतिलोम करेंगे, प्रतिलोम तो 2:4 और यहाँ समानुपात है, समानुपात को हटाते हैं आप लोग जानते हैं, बराबर करते हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना है, यहाँ से आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। तो देखिए अब एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया शीला 12 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है, उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग अनुलोम और प्रतिलोम दोनों समानुपात पढ़ लिए हैं तो आप क्वेश्चन जब आएगा तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पहचानेंगे कि अनुलोम समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है। इसको पहचानने के बाद ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलत होगा। तो पहचानेंगे कैसे, इसमें देखेंगे। देखिए कह रहा है शीला 12 किमी प्रति घंटा की चाल से, उसका चाल कितना है 12 किमी प्रति घंटा, तो वो कितने मिनट में पहुंचती है 20 मिनट में। जब 12 किमी प्रति घंटा चाल है तो 20 मिनट पहुंचती है। अब कह रहा है 15 मिनट में पहुंचने के लिए, जब चाल देखिए 12 किमी है तो 20 मिनट में टाइम लगता है। अब 15 ही मिनट में अगर पहुंचना उसको 15 मिनट में ही, तो क्या करना होगा, चाल को बढ़ाना पड़ेगा। चाल जब जितना तेज होगा उतना ही टाइम कम लगेगा, तो टाइम पहले 20 मिनट लग रहा था, अब चाल और बढ़ाना पड़ेगा तभी टाइम कम लगेगा। तो देखिए हो क्या रहा है, चाल पहले कम है तो मिनट ज्यादा है, और चाल को जब ज्यादा करेंगे तो मिनट कम होगा। तो एक देखिए बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो समझ जाएंगे प्रतिलोम समानुपात है। तो हम देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पूछा क्या है, किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो हम लोग वही मान लेते हैं, माना एक्स चाल से, एक्स और यहां देखिए किमी प्रति घंटा में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको मान लेंगे ऐसे किमी प्रति घंटा, माना एक्स किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना होगा। तो अब देखिए जब हमने मान लिया, अब यहां लिखते हैं जैसे उसमें हमने लिखा था अनुलोम समानुपात में है प्रश्न, तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए अब देखिए जैसे उसमें लिखते थे वैसे ही इसमें भी लिखना है। तो अब यहां प्रतिलोम समानुपात है तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, एक तरफ देखिए चाल दिया है और एक तरफ समय, समय पूछा है, चाल ये देखिए पूछा है, समय दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिख लेंगे चाल। चाल पहले समय बाद में, दोनों में से कोई पहले लिख सकते हैं। अब देखिए समय क्या है, 12 किमी प्रति घंटा की चाल से कितना 20 मिनट लग रहा है, समय कितना लग रहा है 20 मिनट, तो चाल कितना है 12 किमी, समय को लिखेंगे मिनट में, चाल देखिए दिया है किमी प्रति घंटा में, तो यहां ऐसे लिख लेंगे।
तो देखिए इतना हमने लिखा, एक तरफ समय मिनट में दिया है और एक तरफ चाल किमी प्रति घंटा में दिया है। तो हम लोग चाल पहले और समय बाद में भी लिख सकते हैं। और यहाँ समय देखिए लग रहा है कितना 20 मिनट, तो चाल कितना है 12 किमी प्रति घंटा। अब समय कह रहा है कितना लगेगा 15 मिनट, तो समय जब 15 मिनट लगेगा तो चाल पूछा, तो वही चाल हमने मान लिया क्या एक्स। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देंगे, जब ये क्वेश्चन प्रतिलोम समानुपात का है तो हमने बताया तीर पहला वाला ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे और दूसरा वाला तीर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, इसका मतलब होगा प्रतिलोम समानुपात। और इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखते थे 20 अनुपात 15, ये लिखते थे 20 अनुपात 15 ऊपर से नीचे की तरफ, पहले ऊपर का लिखेंगे फिर नीचे का, और यहाँ लगाते थे समानुपात उस वाले में, तो लिखते थे ये ऊपर से नीचे। लेकिन अब देखिए क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर गया है तीर, मतलब पहले ये लिखना है बाद में ये, यही बस ध्यान देना है। प्रतिलोम समानुपात में तीर ऐसे बनाएंगे और पहले नीचे का फिर ऊपर का, तो इस तरह से लिखना है। और बाकी वही काम देखिए, बाहर वाले का गुणा एक में करते थे और ये मध्य वाले का गुणा एक में, तो हम लोग करते हैं 15 का एक्स में गुणा करेंगे, इसी को लिख सकते हैं 15 गुणे एक्स, कोई भी पहले पहले ये भी लिख सकते हैं या पहले ये भी, और बराबर लगाते हैं समानुपात के जगह, और बाहर वाले का एक में गुणा करते हैं 20 गुणे 12। हमको एक्स का मान निकालना है, 15 इधर गुणा में है इधर भेजेंगे भाग में जो होगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 20 गुणे 12 बटे 15। अब देखिए ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो काट देंगे या तो गुणा भी कर सकते हैं। देखिए 12 का 20 में जब गुणा करेंगे तो होगा 240 बटे 15, 15 से जब इसमें भाग करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, x का मान आया 16। क्या पूछा था, x किमी प्रति घंटा चाल पूछा था, तो हम लोग 16 क्या लिखेंगे, किमी प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। उसका चाल कितना हो जाएगा 16 किमी प्रति घंटा। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रतिलोम समानुपात का सॉल्व करना है। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।